हेलो फ्रेंड्स, आज हम यह नेक डिज़ाइन बनाने वाले हैं। तो इसके लिए हमने यहाँ पर एक पेपर बुकरम लिया है जिसकी लेंथ है 13.5 इंच और विथ है 4.5 इंच। तो यहाँ पर हमें नेक रेडी रखना है 2.5 इंच पर। तो हमने यहाँ पर पहले 2.5 इंच पर निशान लगाया और लेंथ हमें नेक की रखनी है 12.5 इंच। तो यहाँ पर हम 12.5 इंच पर एक निशान लगाएंगे। अब जो 12.5 इंच पर हमने निशान लगाया है वहाँ पर हम विड्थ रखेंगे 1 इंच। तो यहाँ पर हमने 1 इंच पर एक निशान लगा लेंगे और जो 2.5 इंच पर निशान लगाया है वो हमारा रेडी नेक होगा। लेकिन हमें यहाँ पर 0.75 की एक पट्टी लगानी है, तो हमें 0.75 निशान बाहर लगाना होगा। तो यहाँ पर हम लगभग 0.75 निशान बाहर की तरफ लगाएंगे और उस निशान को हमने जो नीचे की तरफ 1 इंच पर निशान लगाया है उस निशान से मिला लेंगे और एक वी शेप में नेक का शेप देंगे। नेक का शेप देने के बाद हम देखेंगे कि हमें रेडी नेक कितना चाहिए लेंथ में। तो यहाँ पर हमने 6 इंच पर निशान लगाया और वहाँ पर हम विड्थ नापेंगे कि हमें रेडी नेक की विड्थ नीचे से कितनी मिल रही है। तो यहाँ पर हमें लगभग 1 इंच यानी कि 2 इंच नेक रेडी हमें चौड़ा वहाँ से मिल जाएगा। तो अब हम बाहर की तरफ 1-1 इंच पर निशान लगाकर नेक की पट्टी को बाहर की तरफ से कट कर लेंगे और अंदर से भी हम नेक का शेप कट कर लेंगे। तो जो पट्टी हमें मिलेगी उस पट्टी को हम आयरन की मदद से फैब्रिक पर चिपका लेंगे। उसके बाद में हम कुर्ती वाला हिस्सा लेंगे और उस पर हम नेक की विड्थ का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने रेडी शोल्डर रखना है 3 इंच। तो 3 इंच पर हमने निशान लगाया। उसके बाद में हम यहाँ पर 1 इंच की पट्टी लगाएंगे तो वो लगभग 3.5 इंच हमारे यहाँ पर रेडी रहेगा। तो यहाँ पर हमने 3 इंच पर निशान लगाया और उसके बाद में जो नेक पट्टी है उसको हमने यहाँ पर इस पर सेट कर दिया। यहाँ पर हम पिन की मदद से जो नेक पट्टी है उसको हम सेट कर देंगे और उसके बाद में जो नीचे की तरफ सेंटर वाला हिस्सा है वहाँ पर भी हम कुर्ती के सेंटर वाले हिस्से से नेक पट्टी का जो सेंटर वाला हिस्सा है वो मिला देंगे और पूरी पट्टी को कुर्ते के ऊपर अच्छे से सेट कर देंगे। तो इस नेक पट्टी के चारों तरफ हम पेच लगाकर इसको कुर्ते के ऊपर अच्छे से सेट कर देंगे। उसके बाद में हम यहाँ पर इस पट्टी के ऊपर सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर हम 0.25 या फिर 1/2 इंच की गैप पर भी सिलाई लगा सकते हैं। तो हम यहाँ पर 0.25 के हिसाब से यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। हम यहाँ पर कॉर्नर पर नीडल को अंदर की तरफ रख के कॉर्नर को पलट कर आगे की तरफ सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर हम इसी तरीके से बुकरम पर चारों तरफ सिलाई लगाकर बाहर की तरफ सिलाई को निकाल लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारी पट्टी कुर्ते से अच्छे से स्टिच हो चुकी है। तो अब सभी पिन्स को हम बाहर की तरफ निकाल लेंगे। उसके बाद में कुर्ती को फोल्ड करके एक बार हम चेक करेंगे कि हमारी जो बुकरम दोनों साइड है बराबर स्टिच हुई है या नहीं। तो उसको अच्छे से चेक करने के बाद हम जो अंदर का एक्स्ट्रा कपड़ा है नेक का उसे हम कट कर लेंगे और जो कॉर्नर वाले हिस्से है वहाँ पर हम कट लगाएंगे। यहाँ पर हमें कट लगाना इसलिए पड़ता है क्योंकि अगर हम कट नहीं लगाएंगे तो पट्टी पलटेगी नहीं और सलाएंगे और पट्टी में बिल्कुल भी फिनिशिंग नहीं आएगी। तो यहाँ पर हम पट्टी पर धार स्टिच लगाएंगे जिससे कि पट्टी अंदर की तरफ अच्छे से सेट हो जाए और वह बाहर की तरफ ना दिखे। तो चारों तरफ धार स्टिच लगाने के बाद अब हम इसको पीछे की तरफ पलट देंगे और अच्छे से सेट कर देंगे। तो यहाँ पर हम आयरन भी कर सकते हैं और आयरन की मदद से इसे अच्छे से सेट कर देंगे। उसके बाद में हम यहाँ पर पट्टी को रेडी करेंगे। तो पट्टी के लिए हमने यहाँ पर लगभग 1.5 इंच का एक पेपर बुकरम लिया था जिसे हमने लाइनिंग के फैब्रिक पर चिपका लिया था। उसके बाद में हम यहाँ पर टिश्यू को फैब्रिक को इस पर स्टिच कर दिया और इससे पट्टी को फोल्ड कर दिया और ऊपर से हमने यहाँ पर इसमें लेस लगा दी। तो यहाँ पर लेस हमने वहाँ पर लगाई है जहाँ पर हमें फैब्रिक को स्टिच करना है, यानी कि अंदर हमने लगभग 1/2 इंच का फैब्रिक अंदर की तरफ रखा है। तो दोनों पट्टियों को इसी तरीके से स्टिच कर लिया। अब हम दोनों पट्टियों को नेक में स्टिच करेंगे। तो आप देख सकते हो कि हमने पट्टी को नेक पर अच्छे से सेट किया और
हमने यहाँ पर ऊपर की तरफ सिलाई नहीं दिखानी थी, इसलिए हमने जो अंदर की तरफ सिलाई थी, यानी कि जो अंदर की तरफ हमारी जो बुकरम वाली पट्टी है पीछे की साइड, वहाँ पर हमने सिलाई लगाकर इस पट्टी को स्टिच किया है, जिससे कि हमारी पट्टी के ऊपर से कोई भी सिलाई नज़र नहीं आएगी। तो आप भी इस तरीके से पट्टी को स्टिच कर सकते हैं और इससे फिनिशिंग बहुत ही अच्छी आएगी। तो इसी तरीके से दूसरी साइड की पट्टी को भी हम स्टिच कर लेंगे और उसके बाद में हमें यहाँ पर बीच में एक फैब्रिक लगाना होगा। दोनों पट्टियों को अंदर से स्टिच करने के बाद अब जो नीचे वाला हिस्सा है वहाँ पर भी हम पहले पट्टी को बाहर से अच्छे से सेट कर लेंगे, उसके बाद में हम अंदर की तरफ से सिलाई लगा देंगे। तो आप देख सकते हो कि हमने पूरी पट्टी को अंदर की तरफ से सिलाई लगाकर स्टिच कर दिया है, जिससे कि बाहर की तरफ कोई सिलाई भी नज़र नहीं आ रही है। तो यहाँ पर अब हमें एक फैब्रिक लगाएंगे, तो हमने यहाँ पर नेक की लेंथ रेडी रखनी है 6 इंच, तो उसी हिसाब से हम एक फैब्रिक लेंगे और जो नीचे वाला ट्रायंगल शेप है वहाँ पर हम स्टिच लगाएंगे। इस ट्रायंगल फैब्रिक को हम फोल्ड कर देंगे और उसके बाद में जो हमने 6 इंच की लेंथ रखनी है वहाँ पर हम निशान लगाएंगे और फिर बीच में इस फैब्रिक को स्टिच कर देंगे। तो आप देख सकते हो कि बीच में फैब्रिक को स्टिच करने के बाद हमारा नेक रेडी हो जाएगा। तो आप देख सकते हो कि जो आजकल पाकिस्तानी नेक ट्रेंड में है वो आप कितनी आसानी से घर पर बना सकते हो। तो अगर आपको भी ये नेक बनाना है तो आप इस वीडियो की मदद से आसानी से बना सकते हो। तो हमने यहाँ पर जो बीच में कपड़ा लगाने के लिए लिया है उसको हमने नेक की लेंथ रखी है 6 इंच और बाकी जो नीचे का पूरा नेक है उसको हम फैब्रिक से कवर कर देंगे। तो आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, ताकि हमारी हर लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो अब हमारा नेक कंप्लीट है, पीछे से एक्स्ट्रा फैब्रिक भी हम कट कर देंगे और अगर आप चाहो तो बीच में इसमें बटन भी लगा कर इसे और इन्हेंस कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।